खाना देंगे पूरी टीम को? देखिए, सबसे पहले हमारे ये नए डायरेक्टर हैं और नया हमारा एक्टर है, भाई है हमारा, और सद्दाम को बहुत दिनों से मैं जानता हूँ, अच्छा लड़का है और सबका आशीर्वाद चाहिए। और मेरे तरफ से मेरे बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि फिल्म अच्छी बने। आप जैसा देख रहे हैं, कमांडो फिल्म का नाम है, तो आप इसके टाइटल से समझ सकते हैं कि ये फिल्म की क्या कथा हो सकती है। और हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं इसमें सिर्फ गीतकार हूँ, कुछ गीत हमारे भाई लोग लिखे हैं, कुछ मैं लिखा हूँ, और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हमारे जो सद्दाम जी हैं, देव जी हैं, सब इंटायर यूनिट, जितने यूनिट के लोग हैं। ये फिल्म अच्छी बने और आजकल अच्छी फिल्मों की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू कमर की फिल्में बहुत चलना बहुत आवश्यक है। और ऐसा चलने से प्रोड्यूसर में भी जोश आएगा और नए बच्चे भी आएंगे और इंडस्ट्री बड़ी होगी। कभी भी कोई बाज़ार जो है वो किसी एक, दो, तीन, चार व्यक्ति से नहीं होती। बाज़ार में जब खरीदार हों और बाज़ार में सामान बेचने वाले हों, वो जितनी उनकी आबादी, जितनी उनकी संख्या होती है, बाज़ार का उतना ही बड़ा व्यापक स्वरूप होता है। इसलिए नए आर्टिस्टों को मौका मिलना चाहिए, और मौका मिल रहे जिस आर्टिस्ट को, आप सभी का आशीर्वाद हो, हमारा आशीर्वाद है। मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। जी जी, आप सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने माहौल बहुत गर्म कर दिया है। तो सर, मैं वापस कर दिया। जी जी, अब जैसा कमांडो है तो कमांडो भी गर्मी है। एक देश को, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कमांडो। कमांडो हैं तो देश है, हम हैं, हम सुरक्षित हैं। और पहली बार इस फिल्म में मैं पॉजिटिव रोल में हूँ, और इसके जो स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर हैं अमित सराफ जी, वो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाई मुझे, और उन्होंने मुझे एक रोल सुनाया, तो मैंने उनको सिर्फ रोल सुन के ही कहा कि यार, देशभक्ति के ऊपर अगर फिल्म बनी है और उसमें मैं आर्मी ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, तो बचपन में कभी शौक था कि आर्मी ऑफिसर बनूँ, तो वो तो नहीं बन पाया, शायद इस फिल्म में करके वो पूरा, वो सपना पूरा कर सकता है। तो धन्यवाद है अमित जी को। और सबसे बड़ी बात है, सद्दाम के साथ मैंने पहले भी काम किया, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है भोजपुरी के पहले हीरो जो लॉन्च हो रहे, जो असिस्टेंट डायरेक्शन करके यहाँ तक आए, जो हिंदी फिल्मों में नॉर्मली ये सब चीज़ें होती हैं, बड़े स्टार्स आते हैं भोपाल, डायरेक्शन में होते हैं, सीखते हैं, फिर वो हीरो बनते हैं। तो सद्दाम को बहुत बहुत बधाई, इसी तरह आप मेहनत करिए और अच्छा काम करिए, मैं इतना ही कहूँगा। मेरे भाई, इन छोटे भाई के भी बहुत बहुत धन्यवाद, बेचारे बहुत दिन से मुझे फॉलो किए, फाइनली हम लोग फिल्म में काम कर रहे हैं। विनय भैया मिले, विनय भैया के साथ काम कर रहा हूँ मैं भी, इनके गाने हैं, गाने मेरे ऊपर तो नहीं होंगे लेकिन देशभक्ति के गाने हैं, तो अच्छा, कुल मिला के एक अच्छी फिल्म है, अच्छी स्क्रिप्ट है। और इसका शूट होने वाला है चाइना का बॉर्डर, एक ये एक और जज्बात हम लोगों के अंदर है कि चाइना से इतनी नफरत हम लोगों की, चलो कहीं हमें ग्लू बॉम्ब फोन मत दीजिए जल्दी चल के, तो ये है सुबह जो बोला नहीं गया। तो कमांडो के लिए मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, और मैं अमित जी से एक ही बात बोलूँगा कि फिल्म अच्छी बनाइए, ताकि जैसे कि मैं सुन रहा हूँ कि औरतें जो हैं वो फिल्मों से बहुत दूर हो चुकी हैं, थिएटर से बहुत दूर हो चुकी, ज़रूरत है अच्छे सिनेमा की, अच्छी मेकिंग की और वल्गरिटी से दूर की। तो मैं यही कोशिश, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से कि अच्छी फिल्में ही करूँ। मैं भी बहुत चीज़ें पीछे से कम करना शुरू कर दी, जैसे रेप ऑफ सीन का मैं मना कर देता हूँ, सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस हिसाब से है, तो अमित जी के हाथ में सारा बागडोर है, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी फिल्म बनाएंगे। सबसे पहले भोजपुरिया सोता समाज के, हम सद्दाम की तरफ से नमस्कार। कमांडो वन मिशन फिल्म एक, देखा जाए तो सबसे पहले अपना ये फिल्म जो है कमांडो, एक कंसेप्ट ही हिट है। सबसे बड़ी बात, हमने जो सर ने कंसेप्ट सुनाया मुझे कि कंसेप्ट ऐसा ऐसा है, कंसेप्ट देखा गया तो सबसे सुपर कंसेप्ट है। बोले कि सद्दाम आपको इसमें कास्ट करें, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी पहले हीरो बनने आया था आज से 5 साल पहले मुंबई में। अब आने के बाद पता चला कि मतलब क्या होता है हीरो बनने के लिए, हम तो गाँव से उठे आ गए थे, लेकिन यहाँ पर आज शायद होता है कि मेहनत का मतलब फल मीठा होता है, मेहनत किया, सबके नज़रों में आया, तो आज इन्होंने अमित सर ने कास्ट किए और बोले कि आपके साथ हम पिक्चर कर रहे हैं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मतलब ये फिल्म सब कोई देखे, और हम लोग का कोशिश ये रहा कि 100% पूरा हम लोग दें और इस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से बनाएँ। पूरा कोशिश हम लोग अपने तरफ से ही दे सकते हैं। 5 सालों में सबसे पहले मैंने बहुत सीखा है सर, बहुत सीखा,
मुझे पता भी नहीं था कि मतलब फिल्म क्या होता है, मुझे यहाँ तक भी नहीं पता था। यहाँ आने के बाद ही सब कुछ पता चला। असिस्ट किया, फर्स्ट मेरे फिल्म था जब प्यार किया तो डरने क्या, रमाकांत जी के साथ। रमाकांत सर मेरे गुरु जी हैं, उनके साथ मैंने पहला पिक्चर किया था एज असिस्टेंट में। उसके बाद आज मतलब 27-28 फिल्म में एज एसोसिएट डायरेक्टर तक काम किया। और ये पहला फिल्म है कि मतलब सुना गया, मेरा दिल का दर्द सुना गया और मेरा मेहनत आज अमित सर सुने हैं। अब सारा डोरीनी के हाथ में है, बस मैं 100 में 100 दूंगा और अच्छे से काम करूंगा। मेरा ही कोशिश है सर। आपके हीरो बनने मेरे हीरो बनने में सर, तो अभी सबसे बड़ा सहयोग तो सर का है, अपने डायरेक्टर साहब का सहयोग है और बाकी तो मतलब सारे इंडस्ट्री साथ में है सर। आज जितना हम कर रहे हैं अपने सब रिलेशन का ही कमाल है, रिलेशन का ही मतलब एक देखा जाए तो डोरा है कि मतलब सब लोग आज मतलब इतना प्यार भरे, मतलब प्यार से देखने आए लोग मुझे कि चलो एक सदाम भाई है फिल्म कर रहा है तो सारे लोग सपोर्ट कर रहा है। और मुझे बहुत देख के खुशी हुई कि एक नए कास्ट के लिए, नए लड़के के लिए इतना लोग आए और इतना सपोर्ट किए, सबसे बड़ी बातें हैं। और हमारे विनय बिहारी सर हैं जो कि मतलब मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि सर के साथ कभी खड़ा हूँ, आज खड़ा और साथ में काम भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी शुक्रिया अदा काम है। देव सर भी हमारे, इनको मैं बराबर स्क्रिप्ट पढ़ाता था और अपने हीरोइज्म में रहता था, बोलते थे कि बेटा एक दिन जरूर बनोगे, आज वो दिन आ गया है सर। बस यही कहना है सर। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सर, पॉजिटिव है। इसमें पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ और मैं इनका सीनियर का रोल करूँगा, सीनियर हूँ मैं, जिस तरह से सीनियर का रोल है, इनको सही रास्ता दिखाने का काम मेरा ही है। तो अभी मैं सद्दाम की बात को ही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सद्दाम ने कहा कि इनका सपना पूरा हो गया हीरो बनने का। इंडस्ट्री में 99% लोग हीरो बनने ही आते, किसी की हुनर है, वो हुनर है, किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है। पर मेरा एक ही कहना, चाहे कुछ भी हो, आपको कोई भी मौका मिले, चाहे वो हीरो का हो, चाहे आपको म्यूजिक में हो, चाहे लिरिक्स राइटिंग में हो, स्क्रिप्ट राइटिंग में, अगर मौका मिला तो उस मौका में चौका मारना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में ये रोना नहीं कि मुझे मौका अच्छा नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैं बहुत छोटे छोटे सीन करके आया हूँ, मैं पीछे खड़ा होता था, एक लाइन मिलता था तो मुझे लगता था कि यार, जैसे इन्होंने रमाकांत जी की बात बताई तो मैं रमाकांत जी की फिल्म से ही आया था। एक सीन मिला, मुझे याद है, मैं पहले जब डायलॉग बोलने गया था तो मुझे डायलॉग आज भी याद है, आज आवे दे कुणाल सिंह ऐसन कुचब ऐसन कुचब के ऊपर देखे कछु, और वो फिल्म रही दीवाना फिल्म बना। तो उस जब मैं सेट पे गया तो तरह तरह के लोग बात कर रहे, डायलॉग बोल लोगे ना, ये कर लोगे, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने आप पे विश्वास जताया, हम आपके साथ सब खड़े हैं, मेहनत आपको करनी है और 100% करके आपको बताना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए, जितने नए कलाकार हैं उनके लिए भी मेरी यही बात है, मौका मिले तो चौका ज़रूर मारिए, बस इतना ही कहूँगा। नमस्कार, भोजपुरिया सुरदा को मेरा सादर भरा नमस्कार, प्रणाम है। मेरी भोजपुरी लैंग्वेज में पहली फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कमांडो की है जो हर किसी में कमांडो ढूंढता है। उनके 5 साथी हैं, उन 5 साथी को जो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनको कैसे कमांडो में परिवर्तन करके ला करके सभी को कमांडो बनाते हैं। और ये फिल्म की मेकिंग में मैं अपनी तरफ से पूरे 100% दूंगा। और मैंने इसमें सब न्यू कमर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे यंग ब्लड चाहिए था, इसमें जोश हो, वो ये काम कर सके, जो इस मूवी को कसम जुनून होना चाहिए इस मूवी को करने के लिए। तो इसीलिए मैंने इसमें जो 5 जो मेरे 5 जो कास्ट हैं उसको मैंने नए को ही ब्रेक दिया है, उसको 5 के 5 कास्ट नए हैं। और बाकी आप सभी लोग से यही गुजारिश है, हमें सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके आप लोग। मैं अपनी काम ईमानदारी से करूंगा और एक भोजपुरी इंडस्ट्री को एक ऐसी मूवी दूंगा जो अश्लीलता से दूर रहेगी, इसमें कोई अश्लील शब्द या अश्लील वर्ड या अश्लील दृश्य नहीं रहेगी। सर, जैसे कि फिल्म निर्माण की बात होती है, सर पहले सोच में आता कोई बड़ा स्टार रहेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, लेकिन आप उसके विपरीत नए लोगों को लेकर कर रहे हैं, नए स्टार को पैदा कर रहे हैं। मैं स्टार पे बिलीव नहीं करता, मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। मुझे स्टार कास्ट के ऊपर कोई बात नहीं, मैं क्वालिटी कितनी अच्छी दे पाऊँगा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है, मैं क्या क्वालिटी दे सकता हूँ। और हमारे जैसे डायरेक्टर ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एक स्टार बनाते हैं, तो मैं मेहनत करता हूँ, क्या पता आज सदाम मेरे बगल में, कल ये मेरे बगल में, इनसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़े।
मैं इसमें मैं भी एक नेगेटिव प्ले रोल प्ले कर रहा हूँ। वो अच्छी किरदार है एक, और मैं कहानियाँ भी नहीं बोलना चाहता क्योंकि इसमें थोड़ा मिस्ट्री है। आप लोग थिएटर में आए देखें सिनेमा को, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। लेकिन कैरेक्टर बहुत ही अच्छी है, जोरदार कैरेक्टर है और सभी के कैरेक्टर अच्छे हैं। सर हम लोग इसे 25 फरवरी से स्टार्ट कर देंगे, और सर ये एक्चुअली चाइना से रिलेटेड है सिनेमा, इसलिए सर लोकेशन हम लोग थोड़ा नेपाल भी ले रहे हैं, चाइना बॉर्डर भी ले रहे हैं, और 3-4 दिन की बिहार में भी शूटिंग है मोतिहारी में, और गाने का शूटिंग वगैरह सब नेपाल में होंगे। कब तक पब्लिक देख पाएगी? हम लोग टारगेट किए हैं मई लास्ट वीक तक इसको थिएटर में ले आना है। जैसे आर्मी बेस्ड फिल्म है तो फिल्म में गीत संगीत का कितना योगदान मिलने वाला है? गीत संगीत का तो बहुत योगदान है, ओम झाजी सर को हमने उनका कार्यभार दिया है, और मुझे पूरा आशा है कि वो अपना मतलब कार्य अच्छी तरह से करेंगे। और मैं इस इंडस्ट्री में सभी को किसी आदमी को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, नया नया आया हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सहायता कीजिएगा, मार्गदर्शन कीजिएगा, मेरी कहीं गलती हो तो बता दीजिएगा जरूर मुझे। सर भोजपुरी का पहला पोस्टर है जिसमें हीरोइन नहीं दिख रही है, पूरी मीडिया की कैमरा हीरोइन को ढूंढ रही है लेकिन पोस्टर कहीं नजर नहीं आ रहा। ये जो आपको 5 कमांडो दिखाई दे रहे हैं ना, ये 5 हीरोइन को ढूंढने ही जा रहे हैं, तो जब वो मिलेगी तो मैं बता दूंगा। अब चाइना में छुपी है या पाकिस्तान में, वो मूवी देखने में मालूम चलेगा आपको। ये 5 उस हीरोइन को ही ढूंढ रहे हैं। तो शूटिंग के दौरान दिखेगी या डायरेक्ट सिनेमा हॉल में? शूटिंग में तो दिखेगी, लेकिन आपको सिनेमा हॉल में अच्छी तरह से दिखेगी। गाने टच बहुत ज़्यादा है, और 2 गाने, 1 गाना देशभक्ति के ऊपर है और 1 ट्रेजेडी सॉन्ग भी है उसमें। गाने बहुत अच्छे हैं और लिखा भी बहुत अच्छा है इन्होंने, और आशा करता हूँ आपको गाने बहुत पसंद आएंगे इंडस्ट्रीज के लोगों को। विनय बिहारी सर तो मैं तो उनको सम्राट मानता हूँ उस इंडस्ट्री का, और इत्तेफाकन वो आज आए, उनसे मेरी कल मुलाकात हो गई, यहाँ थे, मैंने कहा सर आप ही को इसका शुभ काम ये आप ही को करना है सर, और उन इस फिल्म में उन्होंने 2 गाने भी लिखे हैं, और उसमें उनका कुछ एक्ट भी है, वो फिल्म आने पर पता चलेगा आप लोगों को। हमारे तरफ से पूरी टीम को हार्दिक बधाई है, डायरेक्टर हीरो या जो भी टेक्नीशियन इस फिल्म से जुड़ेंगे या जुड़े हैं, हमारे तरफ से सबको हार्दिक बधाई है, और अपेक्षा भी है कि बहुत जल्द फिल्म थिएटर तक आए और पब्लिक को देखने को मिले। प्रणाम बा तमाम मीडिया के देखे वाला के और भोजपुरी जाने वाला समझे वाला और बोले वाला के प्रणाम बा, कमांडो के पूरे टीम के, डायरेक्टर हीरो हीरोइन या टेक्नीशियन जे भी ये फिल्म से जुड़ल बा चाहे जे भी ये फिल्म से जुड़ी, सबके हमारा तरफ से हार्दिक बधाई बा, और अपेक्षा भी बा कि ये फिल्म बहुत जल्दी थिएटर में पब्लिक के बीच में आवे। अब जब यहाँ पे हैं तो एक समाज के हिस्सा जरूर है, लेकिन अभी तक फिल्म के हिस्सा हूँ कि नहीं हूँ मुझे नहीं पता है, अगर शायद मौका मिला तो ज़रूर काम किया जाएगा, बट आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ एक इंडस्ट्री से रिलेटेड एक सामाजिक होने के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ, और आज आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, शुभकामना दे सकता हूँ। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप भी तो क्या कहना चाहेंगे जो एक अलग सिनेमा लेके आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा मैं अभी सुना कि असिस्ट करते हुए आज वो बंदा आज इस जगह पर पहुँचा है, तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामना है, क्योंकि ज़रूरत है कि अच्छे लोग काम करें, क्योंकि दुर्भाग्य इस चीज़ का है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि शायद मुझे लगता है कि कितने लोगों को ये बात चुभ जाए, लेकिन सच बोल रहा हूँ कि भोजपुरी में अच्छे कलाकार एक्टर जिसको एक्टिंग कहा जाता है एक्टर, अच्छे एक्टरों के पास काम नहीं है, चमचों के पास काम की कमी नहीं है, तो उम्मीद मैं करूँगा कि आने वाले भविष्य में अच्छे एक्टरों को न लड़के लड़कियों को काम मिले, जो कैपेबल है, जो एक्टिंग करते हैं, जिसको एक्टिंग आता है, जिसकी रोजी रोटी एक्टिंग से चलती हो, उसको मौका मिले, उसे काम मिले, तो मेरी शुभकामना है नई टीम की और डायरेक्टर साहब और हमारे हीरो को इस फिल्म में, हमारे देव भाई, और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के बहुत ही सीनियर हमारे
हम लोग मतलब देखते देखते इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, जो हमारे बीने भैया हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तभी बीने भैया बहुत अच्छा गाना लिखते थे, और बीने भैया को देखते देखते हम लोग एक सामाजिक कार्यों में जब जुड़े हैं तो उनमें बीने भैया को हम लोग देखे हुए हैं शुरू से ही। तो आज अच्छा लगा कि पूरे टीम आज यहाँ पे, और बीने भैया को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद आज मैं बीने भैया से मिला भी। अभी हमारी आने वाली फिल्म है राज तिलक, जो कि 2-3 दिन के बाद उसका हो सकता है कि ट्रेलर रिलीज हो। उसके बाद प्रतिबंध है, प्रतिबंध के बाद मेरी जंग है, मैं नागिन तू सब पेरा, 4 फिल्में हैं जो अभी हमारी रिलीज पे है। मैं माँ कामाख्या देवी को सशक्त नमन करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद, और सबसे बड़ी धन्यवाद कि आज मेरे बीच में देव भैया और विनय बिहारी जी थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे हमारे खास अमित सर्राफ जी को, जिनके डायरेक्शन में पहली बार काम करने जा रहा हूँ, इनके लिए जो है मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए मैं एक्चुअली मैं पहले मुझे ममता भैया के हाथ से सारा काम करा, थोड़ा देर होने के कारण आप लोग को भी देर विलम्ब हो रही थी, मैंने कार्यक्रम आगे बढ़ाया। भैया से परिचय खुद लीजिए आप लोग। भैया मेरा नाम राधेश्याम गौड़ है, मैं शिवसेना के राग संरक्षण कक्ष का अध्यक्ष हूँ, 4 फुट विधानसभा। और हमको बहुत खुशी है कि यूपी और बिहार का जो फिल्म बन रहा है, मूवी बन रहा है, अच्छे से बने और प्रवेश करे, और उसके लिए मैं पूरा सपोर्ट से बॉम्बे में हूँ। जो चाहिए उनको सपोर्ट चाहिए, जो चाहिए मैं देने को एग्री हूँ। बस आपके नाम के बड़े चर्चे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं गायक लसाई लाल यादव, पटना कटिहार से। ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, कमांडो ऑन मिशन, जो हमारे गार्डन सूर्य कुमार निर्देशक हैं हमारे अमित सराफ सर, और हमारे जो अभी शिवसेना के हमारे बड़े सर राधे गौड़ सर, जो उनको बहुत मानते हैं, और हमारे जो मेन लीड में हमारे हीरो हैं सद्दाम जी। आप सद्दाम जी के साथ किस तरह नजर आए? इसमें 5 हीरो की कहानी है और 5ों सब लीड में हैं। अभी से आप फौजी का ड्रेस पहन के आ गए? नहीं, मेरा भी सपना था मैं फौजी बनूं, बस कृपा से इसमें ही आ रहे हैं। बताना चाहेंगे यहाँ तक पहुँचने का आपका जो लक्ष्य रहा है, और जो अपने मन से कि लोगों के साथ मन से बड़े-बड़े बट जो भी अच्छा है, और हमारे जो पहली बार हम इस फिल्म में लीड का किरदार कर रहे हैं, हमारे जो अमित सर हैं जो हमको बहुत मानते हैं, और मैं पहली बार इस कमांडो मिशन में लीड का किरदार कर रहा हूँ, और अपने सद्दाम भाई के साथ। हमारे डायरेक्टर साहब एक सुलझे हुए हैं, जो कि कुछ हट के बना रहे हैं वो। इसमें आपको गंदगी कहीं नहीं मिलेगी, असलता कहीं नहीं मिलेगी, बातें कम फाइट ज़्यादा।